नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। भाई, रिजल्ट डेट आ चुका है बिल्कुल पास, और ये शेयर भी कर गया है अब कंसोलिडेट। मार्केट भी थोड़ा सा ले लिया है सपोर्ट। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या रंग लाता है। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बिल्कुल साइडवेज कारोबार था। 10 बजे के आसपास जो प्राइस था, वही प्राइस शाम को मार्केट क्लोज के बाद था, और वही प्राइस जो है पूरे दिन जो है वही प्राइस था। मतलब 10 बजे से लेकर और पूरे मार्केट क्लोज होने तक बिल्कुल सीधी रेखा में निफ्टी था, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधी रेखा में। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते। सुबह ओपन हुआ था, ओपन होते ही एक गिरावट और फिर एक रिकवरी भी से, उसके बाद बस साइडवेज, इतना ही था जब मोमेंटम। अब मेन चीज है कि क्या यहाँ से सपोर्ट लेके भाग जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं। तो अगर आप लोग आज के पहले मेरी वीडियो देखे होंगे, हालांकि वो दूसरे चैनल पे गई थी, सुपर स्टॉक एडवाइजर पे, उस पर मैं बताया था कि कल आप चाहो तो खरीदारी कर सकते हो। हालांकि अगर आप ऑप्शन में बाय के थ्रू गए होंगे तो आपको मतलब टाइम वैल्यू का जो है लॉस हुआ होगा। इसी लेवल में मैं बताया था कि 24,400 के लेवल पे आप खरीदारी करके नीचे के साइड में 24,285 का पोजिशनल लंबे टाइम फ्रेम के लिए थोड़ा सा इसमें खरीदारी कर सकते हैं 24,775 के टारगेट के लिए। इस तरह से मैं आपको एक टिप बता दूँ। उम्मीद है कि यहाँ से एक रिकवरी आएगी, और वो रिकवरी वहीं 24,700 तक भी आ सकती है और 25,100-200 तक भी आ सकती है, तो ऐसी संभावना है। इसी वजह से मार्केट आज निगेटिव ही था। सारे के सारे इंडेक्स देखिए, यहाँ पे थोड़े बहुत निगेटिव ही थे, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि कल एक अच्छा गैप ओपनिंग देख के और वहाँ से तेजी आ जाए, तो देखते हैं। रिजल्ट डेट की बात करेंगे तो रिजल्ट डेट इसका है 26 अक्टूबर 2024, शनिवार का दिन। एक ट्रेडिंग सेशन और केवल इसमें बचा है, जो यहाँ पे देख सकते हो 25 तारीख वाला। अब ये 25 तारीख वाला डेट जो पोस्ट रिजल्ट का पहला दिन कह लेते हैं, प्री रिजल्ट डेट है। अब प्री रिजल्ट डेट का मतलब होता है कि आज ही आपको डिसाइड करना होता है, मतलब आज तो चलिए आज भी और कल मेन करके, कि आपको रिजल्ट के लिए जाना है कि नहीं, आपको रिजल्ट पे विश्वास है कि नहीं, रिजल्ट का रिस्क आप ले सकते हो कि नहीं। कुछ लोग होते हैं कि रिजल्ट के 1-2 दिन पहले ही बेच देते हैं, या 1 हफ्ते पहले भी बहुत सारे लोग बेच देते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा। उसी में जिसको भरोसा रहता है तो वो होल्ड करते हैं, और जिनको जो है रिस्क लेना होता है वो खरीदारी भी करते हैं। तो आज मतलब तो चलिए होल्ड हो गया, कल जो बंदा होल्ड करेगा, अब वो अगला ट्रेडिंग सेशन आएगा 28 अक्टूबर 2024, जो इसका रिजल्ट बीच में आ चुका होगा। तो 28 अक्टूबर को बड़ा सा गैप अप, बड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग, ये दोनों हो सकती है जिस हिसाब से इसका रिजल्ट आएगा। आज अगर देखेंगे तो 25 नंबर ऑफ लास्ट डील ट्रेड होती हुई दिखी है। ओपन करके देखेंगे तो आज 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, इस तरह से कई सारे हम लोगों को यहाँ पे 24 अक्टूबर 2024 साइड में देख सकते हो डेट है। तो आज बड़ी बड़ी जो है लास्ट डील देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिली है, मतलब आज जो है एक लास्ट डील में खरीदारी बढ़िया सी हुई है। वॉल्यूम भी आज थोड़ा सा बढ़ा है। वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग तो 5 करोड़ रुपए के आसपास का जो है, 5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है। टोटल 91 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं, और डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 28% का डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। सबके लिए 20% हो गया है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। अब देखिए रिजल्ट इसका कैसा आया था, तो ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि रिजल्ट इसका पीछे कैसा आया था और आगे कैसी की संभावना है। हालांकि वो तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रिजल्ट पिछले 4 क्वार्टर से बढ़िया आ रहा है। एक ये मार्च 2024 वाला कुछ ज़्यादा ही और प्रॉफिट हो गया था, लगभग 600 करोड़ के आसपास, लेकिन वैसे भी अगर बढ़ते क्रम में देखेंगे तो 70, 170 और 590, उसके बाद 350 था। अब ये वाले क्वार्टर का रिजल्ट अगर फिर से कम आता है, 350 करोड़ से कम, तो एक डाउन ट्रेंड टाइप का हो जाएगा। अदर इनकम भी इसको जो है 24 करोड़ की हुई थी, इंटरेस्ट भी इसको 100 करोड़ का पे करना पड़ा था, और जो कि नॉर्मल अभी भी पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं साल दर साल बेसिस पे इसका अच्छा है। वहीं पे ये स्टैंड लोन अगर इसका रिजल्ट देखेंगे हम लोग तो स्टैंड लोन में भी बढ़ते क्रम में हम लोग को देखने के लिए मिला, जैसे कि देखिए 70, 170, 250 और 350, तो इस तरह से बढ़ते क्रम में ये होना चाहिए, जो कि अच्छा रहेगा। अगर घटते क्रम में आ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हालांकि इस पे तो पहला ही घटता क्रम आ जाएगा, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो 590 के अगेंस्ट में 350 पहले पहले था ही,
जून वाला, अगर ये इस बार भी अगर कम आता है तो फिर दिख, हालांकि कंपेयर हम लोगों को साल दर साल बेसिस करना है 70 करोड़ से, तो 70 करोड़ से जो भी आएगा ज़्यादा ही आएगा, तो साल दर साल बेसिस पे तो रिजल्ट बढ़िया आएगा। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखना पड़ेगा कि रिजल्ट बढ़िया आता है या खराब आता है, ठीक है ना। चार्ट जहाँ पे मैं बताया था वहीं पे रुक गया है, 18 रुपये 50 पैसे का जो मैं आप लोगों को लेवल बताया था बिल्कुल उसी लेवल पे आके ये यहाँ पे सस्टेन कर गया, जो मैं ये एक रेंज बताया था उसी रेंज में आके फिर से कंसोलिडेट करने के मूड में। यहाँ से अब मतलब वहीं एक दिन और एक टेंडर एक कैंडल और है, बस एक कैंडल तो यहीं पे बनी जाएगी, कहीं चाहे ऊपर बन जाए चाहे नीचे बन जाए, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो फिर देखना होगा कि इस रेंज को किधर भी साइड में किधर की साइड में ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, अगर नीचे की साइड में देता है या ऊपर साइड में, नीचे देता है तो नीचे सपोर्ट हम लोगों का फिर से नेक्स्ट वाला बनेगा वहीं 16 रुपये या कह लें आप 15 रुपये का हो गया है, 15 रुपये का, और बाकी अगर ऊपर की साइड में देता है तो फिर से 25 रुपये का रेस्ट। ये दोनों अब एक बड़ा वाला रेंज बनेगा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दे सकता है, अगर ये बड़ा वाला रेंज इधर ब्रेक होगा उधर बड़ी मोमेंटम आ सकती है, बड़ा तेजी बड़ी गिरावट आ सकती है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, व्यू पॉजिटिव ही रहेगा, होल्ड करके रखेंगे, निगेटिव सोचने से कुछ होने वाला तो है नहीं। और यहाँ से मैं आप लोगों को बोला था एक अच्छा सा टारगेट मिला था, फिर से नीचे आया, फिर से देखते हैं ऊपर जाएगा कि नहीं, लॉजिक तो यही कह रही है कि एक बार इसको फिर से ऊपर जाना चाहिए कम से कम 25 रुपये तक, देखते हैं कहने से नहीं होगा, लेकिन व्यू पॉजिटिव रहेगा, होल्ड करने का रहेगा, खरीदारी करने का रहेगा, और एवरेज नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना, देख लीजिए।